मैंने गलती की और इस गलती की भारी कीमत अदा की है। ये एक बहुत बड़ी नसीहत है। अल्लाह दिखा रहा है कि मैं गलती पर हूं। मेरी बेटी ने भी मुझे समझाया था। उसकी आंखों में दिखा था कि मैं गलत हूं। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। आप गलत रास्ते पर हैं बाबा। आपने गलती की है और आप गलतियां करने पर इसरार करते रहे। बहादुर से आपने जो कहा वो मैंने सुना था। मैं जानती हूं आप तो गाय पर हमला करने गए थे कबीले से, तो गाय ने इसीलिए हम पर हमला किया है ना? निकोला ने हमसे खेल खेला है। उसने मुझे बेच दिया तो गाय के साथ मिलकर। वो चाहता था हम टूट जाएं। निकोला पर भरोसा करना गलती थी, लेकिन उस्मान साहब को बताए बगैर ऐसा करना भी बहुत बड़ी गलती थी। अभी भी उस्मान साहब से ये सब छुपाना एक बहुत बड़ी गलती है बाबा। हमारे बहुत से लोग शहीद हो गए जालिमों ने। मासूमों को भी कत्ल कर दिया। बाबा, उस्मान साहब को मालूम होना चाहिए कि तोगाय पर हमला करने वाले हम थे। इस बात से तोगाय के साथ उनका माहिदा खत्म हो जाएगा। उनका कबीला खतरे में है, उन्हें हिफाजती इकदाम करने होंगे। आज जाना था लेकिन हिम्मत नहीं हो रही। हमारा दर्द बहुत ताजा है। उस्मान के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता। मैं ये बोझ नहीं उठा सकता, लेकिन कल सुबह होते ही जाऊंगा उस्मान साहब से इस मसले के मुतालिक बात करने। मलहून, गोगची कैसी है? उसकी जिंदगी अब भी खतरे में है। कबीले आने वाले हर रास्ते पर हमारे सिपाही मौजूद हैं और हमारे तीरंदाज भी बिल्कुल तैयार हैं। और पानी वाला रास्ता? उनमें से दो को नाकाबले इस्तेमाल बना दिया है। तोगाय के पास इंतखाब के लिए ज्यादा रास्ते नहीं हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो कबीले में ना घुस पाए, लेकिन अगर वो किसी तरह से कामयाब हो जाते हैं तो उन्हें मौत का मुंह देखना होगा। काई कबीला जंग के लिए तैयार है, लेकिन मैं शोध को अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। हुजूर। खैर तो है भाई संगूर? हुजूर, एक मंगोल नौकर संदूक लेकर आ रहा था हुजूर। जब हमारे खोजी ने उसका ताकुब किया तो वो ये छोड़कर भाग गया। चलो खोलो इसे। ये लीजिए हुजूर। तोगाय की तरफ से उमर साहब ने जैसे ही हम पे वार किया,
तो हमारे दरमियान मुआहिदा खत्म हो गया, और अगली बारी काई कबीले की है। इस कदर हिर्स, इतना गुरूर, हमें सोचना चाहिए था कि वो ऐसी गलती कर सकते हैं। ठीक है, अगर तो उसने जो लिखा वो सच है तो फिर वाज़ह है कि उन्होंने मेरी खिलाफ वर्जी की। उनसे तो हिसाब लिया जाएगा, उनसे तो इस चीज का हिसाब जरूर लिया जाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं उस्मान साहब, वो खुद ही आ गए। आने दीजिए उन्हें, आने दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान साहब, हमें एक अहम मामले पर बात करनी है। आ तो जाए पहले उमर साहब, पहले आ तो जाइए। क्या ये वाकई सच है? बताइए मुझे। हाँ ये सच है। क्या कह रहे हैं ये? उमर साहब, खेमे में चले, गुस्सा काबू से बाहर हो रहा है। आ जाए, आ जाए, अंदर चल के इसका हिसाब लेता हूं आपसे। मलहून खातून, आप बाहर इंतजार कीजिए। उमर साहब से अकेले में बात करना चाहता हूं। इसका इल्म नहीं था मुझे। जानते हैं मलहून खातून, जानते हैं, आप फिक्र ना करें। चलें सरदारान को बातचीत करने का मौका देते हैं, हम तुमसे राजी हैं बेटी, तुम्हारा कोई कसूर नहीं।
इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुझे बहुत अफसोस हुआ मलहून खातून, जालिमों ने जो किया मैंने सुना। अल्लाह आपसे राजी हूँ बाला खातून। शुक्र है आप ठीक हैं। बस अल्लाह ने बचाया। तुगाई ने उस्मान के साथ मुआहदा तोड़ दिया, ये अच्छी अलामत नहीं है। कुछ गड़बड़ लगती है। आ जाएं, थोड़ा आराम कर लें। कल मैं आपकी तरफ आया था, शेख अदब अली और भाई गुंदूज साहब के साथ। हमने अपना वादा पूरा करने का इंतजार किया, लेकिन आप नहीं आए। कहां थे? कहां गए थे? मैंने आपको खबरदार किया था कि आप अकेले कोई काम नहीं करेंगे, और हर दफा आपने हमें मुसीबतों के सिवा कुछ भी नहीं दिया। अपनी मर्जी से काम करना चाहते हैं आप? हाँ, बहुत सिपाही शहीद हो गए, जिम्मेदार हैं आप मासूमों के खून के। पूरे तुर्क कबाइल का मुस्तकबिल खतरे में डाल दिया। वजह बताइए उमर साहब, वजह? मैंने सुल्तान से बात की, बताया था हमने मिलकर जो कुछ सोचा था हर चीज तबाह कर दी आपने। इजाफी नफरी की आमद से पहले इल्हान की सल्तनत के खिलाफ मैं खड़ा हूं अकेला। अब बताइए, बताइए ना, जो कुछ आपने किया उसकी कीमत क्या होनी चाहिए? बताए मुझे। ये कमान किस लिए है उस्मान साहब? याद नहीं क्या आपको? ये कमान, ये वो है जो ओज खान ने गुनहान बेटे को दी। गुनहान ने दिलेर फरजंद काई को दी। मालूम होना चाहिए इस रियासत के वारिस है वो। आपको यह समझ में क्यों नहीं आता? जवाब चाहिए। इस कमान के साथ खड़ा होने को कहा था, इसके खिलाफ नहीं।
आप सही थे, आप सही हैं उस्मान साहब। मैं इस कमान के साथ नहीं, इसके खिलाफ खड़ा हूं उस्मान साहब। लेकिन अब मजीद इसके खिलाफ नहीं रह सकता। अब जबकि आपके लिए एक बोझ के अलावा कुछ नहीं हूं, अब सिर्फ एक ही रास्ता बाकी है, हम जैसे यहां आए थे वैसे ही लौट जाएंगे। इन सरजमीनों को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। अच्छा फैसला होगा। अब हम जाएंगे बाला खातून। ठीक है मलहून खातून। बाबा अंदर क्या हुआ, उस्मान साहब ने क्या कहा? गौस खान की सुनहरी कमान के बारे में बताया। चलो मलहून, इन जमीनों से जाना होगा। बाला जरूर कुछ हुआ है, दोनों कबीलों को एक करने के लिए आपस में फसाद फूट पड़े हैं, तभी परेशान लग रहे हैं। अब शादी का क्या होगा बाला? उस्मान साहब ही इसका जवाब दे सकते हैं हुंचा। अंदर आ सकता हूं उस्मान साहब? आ जाइए। सब खैरियत है उस्मान साहब? उमर साहब से आपने क्या बात की? क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ? क्या वो अपनी मर्जी करना बंद करेंगे या नहीं? उमर साहब हरगिज़ नजर नहीं आएंगे यहां। उस्मान साहब, जब आप उनसे बात कर रहे थे तो आपके पास ये कमान थी?
उनसे अपने अबाव अजदाद ओज खान का जिक्र किया मैंने, जो समझाना चाहता था समझ गए होंगे। तो चलिए उमर साहब को छोड़िए, तो गाय की बात कीजिए। जैसा आप चाहें उस्मान साहब, तो गाय क्या सोच रहा है हम जानते हैं। वो समझेगा कि उमर साहब के हमले के जिम्मेदार हम हैं, और उसने उमर साहब के कबीले के साथ जो किया हमारे साथ भी वही करना चाहेगा। और वो ये भी समझ जाएगा कि गाय कबीले पर हमला करना उमर साहब पर हमला करने जैसा नहीं होगा। कुछ नहीं होने देंगे अलबत्ता, अगर उसने यहां आने की जरूरत की तो उस वक्त उसका कलेजा निकालकर गीदड़ों को खिला दिया जाएगा। वो दिन भी आएगा उस्मान साहब, आएगा वो दिन, आप उस काफिर की मौत देखेंगे अल्लाह के हुक्म से। आप और आपके ख्वाब के दरमियान कोई भी खड़े होने की हिम्मत नहीं कर सकता। कसम खाता, हम कसम खाते हैं, हम कसम खाते हैं पूरा जहान ये सुन ले, काई कबीले को तीन अलग अलग हलकों से महफूज किया जाता है, हम इनमें से गुजरकर कबीले पहुंच सकते हैं। और सोत इसके अंदर और बाहर दोनों जानिब सिपाही दस्ते होते हैं, और हर दस्ते में तकरीबन 20 सिपाही होंगे। उस्मान साहब ने आज ही दस्तों को दुगना कर दिया है, और इनके जंगजू सिपाही ग्रोहों में घूम फिर रहे होंगे, हम उन पर नजर रखेंगे। मतलब उस्मान अपने खौफ को दबाने के लिए इकदामात का सहारा ले रहा है। वो देखेगा कि इकदामात करने से इसे कोई फायदा नहीं होगा। बोलो, उस्मान को आपका भेजा हुआ तोहफा मिल गया है। उस्मान का खौफ उसके अंदर फैल रहा है, वो गुस्से में पागल हो जाएगा, और जब वो अपने गुस्से से लड़ रहा होगा मैं उसे अपनी ताकत से कुचल दूंगा। आपका क्या हुक्म है? नौकरों को दो हिस्सों में तकसीम करो, हम सब एक साथ कबीले पर और फिर सोत पर हमला करेंगे। याद रहे, हम सूरज निकलने से पहले कबीले और सोत में घुस जाएंगे। जब अंधेरा दिन में बदलता है तो अजान सुनने के बाद जब वो लोग अपने खुदा की इबादत कर रहे होंगे तो हम उन्हें उनके खुदा के पास भेज देंगे। अब तुम जाओ और मौत फैलाने की तैयारी करो। काले जंगलात, काले जमीन, काले रूहें और काले कसम, मौत की सांस हमारे साथ है। मेरी काली कसम उस्मान के खून में नहाएगी। हमने तमाम इकदामात उठा लिए हैं, अगर तोगाय यहां आने की कोशिश करता है तो वो यहां से जिंदा बचकर नहीं जा सकता। मेरे हाथ में खुजली हो रही है, अब तो मैं उसके आने की दुआ कर रहा हूं, रहा नहीं जा रहा मुझसे।
तुम लोग चलो, मैं आता हूं। अचानक इसको क्या हुआ? मेरे भाई को इश्क हो गया है। आराम से। माफी चाहता हूं, मैं डराना नहीं चाहता था आपको। नहीं, मैं डरी नहीं। आप इस तरह अचानक से आ गए। ऐसे घूर क्यों रहे हैं? आपकी आंखें। क्यों, क्या हुआ इन्हें? इनमें इतनी परेशानी क्यों? सुनने में आया है कि मंगोल आ रहे हैं। जब मैं आपके पास यहां मौजूद हूं तो डर किस बात का? तो उससे क्या होगा? मैं हूं ना यहां आपकी हिफाजत के लिए। सिर्फ मेरी हिफाजत? हाँ, यहां और भी सिपाही हैं, हर कोई महफूज है। ठीक है। आइकल रुको। आपको ये लेना होगा। क्यों, क्या हुआ उसको? उसे जरूर प्यार हो गया है। तुम्हें क्या पता इस बारे में? मुझे नहीं पता होगा। लोगों की जासूसी करना शर्म की बात है। चलो काम करें। तुम जाओ, मैं देख कर आता हूं। झरकुदाए, झरकुदाए। बस यही है, मेरे माँ बाप नहीं रहे, मैं अकेली लड़की सोत में रहती हूँ, फलों को बेचकर ही अपनी जरूरियात पूरी करती हूँ। इसे खाएं, ताज़ा है। यकीनन ताज़ा है। आप इसे खाते क्यों नहीं? शर्म आ रही है। ये शर्मीला है, शर्मीला है थोड़ा मेरे भाई। चिरकुटा, तुम यहां क्या कर रहे हो? आइगुल ने स्टार किया, वो आना चाहती थी। आइगुल, इसे तुम नहीं कहोगे तो मैं कहूंगा। चिरकुटा है, मुझे दो। चिरकुटा है, तुम भी खाओ। जाओ। चलो, जाना है। झरकुदाए। झरकुदाए। चलो। झरकुदाए। पागल हैं ये दोनों। मुझे जाना चाहिए अब, बहुत काम बाकी है। फिर मिलेंगे। चलता हूं।